अंजी कितनी प्यारी लग रही हैं आज. हाय हाय सरप्राइज्ड मत हो. थैंक्स. मैचिंग मैचिंग बिल्कुल. अर्चना जी आपको तो पता ही होगा लव आजकल कैसा हो गया. आजकल के लव के बारे में मुझे नहीं पता. मेरा लव शब्द तो सब पुराना हो गया. तू बता लव आजकल कैसा हो गया. ये मैं नहीं बता रहा हूँ. ये बताने खुद आ रही है लव आजकल की स्टार कास्ट यहाँ पे. सो प्लीज वेलकम द यूथ सेंसेशन यंग एज स्टार कार्तिक आर्यन एंड द वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी चार्मिंग सारा अली खान. कार्तिक सारा आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. थैंक यू कपिल पाजी. कपिल पाजी मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ. हाउ स्वीट. थैंक यू. ये अनायरा के लिए. ओह हाउ स्वीट. थैंक यू ब्रो. एक्चुअली ये मेरी मम्मी ने खरीदा है. पे हमेशा यहाँ पे आपके शो में आती हैं. और पिछली बार जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे. तो ये प्रॉब्लम है मिडिल क्लास फैमिली का कि वो अच्छा नहीं लगता जब ऐसे आते. तो मम्मी ने मुंह बना दिया था कि ऐसे क्यों चले गए कपिल के घर. स्वीट. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस फॉर अनारा. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. तो गिफ्ट सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली वाले लाते हैं. नवाब लोग नहीं लेके आते. हम भी तो लाए हैं. नहीं नहीं सारा कार्तिक क्या जोड़ी लग रही है आपकी कमाल की. नजर ना लगे किसी की. कैसा चल रहा है आपका लव आजकल का प्रमोशन. बहुत मजेदार चल रहा है प्रमोशन. बहुत फन एक्सपीरियंस है. बहुत अच्छी जॉय राइड है. जॉयफुल है. बहुत मजे कर रहे हैं. प्रमोट कर रहे हैं. बट ठीक है. बहुत है. आइए आपका बहुत बहुत स्वागत. प्लीज विराजमान हो जाइए. अजस आप सब जानते हैं लव आजकल जो है वो कार्तिक और सारा तो हैं ही. मैंने सुना उसमें एक और हीरोइन है. लेकिन प्रमोशन के लिए सिर्फ दोनों ही जा रहे हैं. तो ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी है कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी है. ये थोड़ा सा पर्सनल स्ट्रेटजी है. क्या बोलूं इसमें. एक्चुअल में आरुषि सरप्राइज पैकेज है फिल्म के लिए. okay. तो उनको पैकेज की तरह रखा है अभी. ओके सारा कुछ बोलोगे. मैं पहुंच गई. काफी नहीं है क्या. नहीं बहुत है. हाँ ये बहुत सारा है. बहुत सारे. अच्छा थोड़े दिन पहले कार्तिक ने मीडिया वालों के सामने ना सारा को उठाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया. चैलेंज. हाँ बहुत सारा उठाया. बहुत सारा को उठाया. मैं बोल रहा था बहुत सारा को उठाया. बहुत सारा को उठाया. बहुत सारे को उठाया. मेरी हिंदी गलत हो रही. हिंदी गलत. बहुत सारों को. अरे This is love. बहुत सा उठाया. बहुत सा उठाया. बहुत सा उठाया. नहीं तो जी आपने जब इनको उठाया तो चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया कि मौका समझ के कि सब पहली बार नहीं उठा रहा था. अच्छा तो आज ये मौका छोड़ता है. बिल्कुल नहीं छोड़ता है. वेरी गुड कार्तिक कीप इट अप. हम दोनों ही मौका नहीं छोड़ते सर. बहुत अच्छी बात है. तो एक बार फिर से आप सबके सामने हो जाए. कार्तिक आर यू रेडी. यू आर कंफर्टेबल. हाँ उठा दूंगा. वो okay. ये हो नहीं सकता. कार्तिक रेडी है. आइए अर्चना जी. कार्तिक पक्का ट्राई कर लो. विल एक्चुअली लिफ्ट मी. हाँ हाँ क्यों नहीं. पर नहीं सीरियसली. चलो ये मौके बार बार नहीं मिलते. मैं वहां से लेकर आता हूं. उठा लूं पक्का. कोई वो नहीं है. चलो आज जी? देखते हैं आपको आज कल से नौजवानों में कितना दम है. मम्मी संग नो. Yeah.
What a sweetheart. What a sweetheart. देखा कपिल, किसे बोलते हैं जांबाज मर्द? आपने सांस अंदर खींची हुई थी. अच्छा उधर से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे मैडम को, कहते उठा दो, मैं भी सोता था, मेरे से पूछा ही नहीं. देखा मौका नहीं छोड़ता. मौका नहीं छोड़ता. यही बंदा आगे जाएगा देखना, जो मौके को लपकता है वही असल में असल चैंपियन है. Oh God. अच्छा ये पहली बार हुआ है कि किसी फिल्म को रिलीज होने से पहले उनकी जोड़ी इतनी हिट हो गई है. आपको पता ही होगा आपके फैंस ने आपका और दोनों का नाम मिला के ना सारा और कार्तिक सार्तिक रखा हुआ है. Oh. ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड करता है हैशटैग सार्तिक. कैसा लगता है आपको ये सुन के? मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, यू नो, बिकॉज जब ऑडियंसेस कुछ देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और फिर वो यू नो उन्हें प्यार देते हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन हमारी फिल्म के पहले ही हमें इतना प्यार दिया जा रहा है, मतलब ग्रेटफुल के अलावा और क्या फील कर सकते हैं. मुझे तो कई बार लगता है कि वो कार्तिक नहीं सार्तिक बुला रहे हैं. सर तो मैं हूं ना हूं. हर बार ऐसे ही लगता है. वो अभी सार्तिक नहीं बुलाते तो मुझे अजीब लगता है. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद. सर एक और बात मन में आ रही थी, जैसे कार्तिक भी जिम जाते हैं. हाँ. कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ, हमारी फोटोग्राफ कोई नहीं आती. मीडिया वालों को आपका कैसे पता चलता है आप कौन से जिम जाती हैं? मैं बुलाती हूँ. हाँ और क्या, और मुझे लगता है मैं आप दोनों से ज्यादा जिम जाती हूँ. मेरे से तो सारी दुनिया ही ज्यादा जाती है. कार्तिक सुमड़ी में करता है तो पता नहीं चलता जाते हो जिम. बड़ी हंसी आ रही है. मैं डांस बहुत करता हूँ. मैं भी बहुत करता हूँ मन में. मैं वो स्टेप में जैसे आप और दीपिका एयरपोर्ट पे कर रहे थे ना, वो धीमे धीमे मैंने मन में सारे स्टेप किए. मन में किए पर पता नहीं ऐसे फिजिकली नहीं होते. वो होता नहीं है. वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. लव आजकल ट्रेलर बहुत ही कमाल का है और बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं आपकी. थैंक यू. पर ये ट्रेलर में पेट्रोल पीने वाली बात बड़ी अजीब सी लगी. बचपन में हर किसी ने सूंघा होता है ना स्कूटर की टंकी. मन बहुत करता है ना, बट करते नहीं है. हाँ नहीं ऑब्वियसली नहीं पी सकते आप, पीना भी नहीं चाहिए, पर वो स्मेल बड़ी अच्छी लगती है. अट्रैक्ट होते हैं बचपन में, है ना. मैंने भी पेट्रोल से. पेट्रोल से आप अमीर लोग हो, आप नहीं समझो ये बात. हम लोग तो यूज ही नहीं करते ना. देखो मैं बताता हूँ आपको, आप बड़े लोग हो तो एक तो आपको गाड़ी में ही डालता पेट्रोल. हाँ. कभी स्कूटर लेके उसमें 10 रुपए का डाल के टेढ़ा किया? वो टेढ़ा करके करते ना खोलते. आम जो गरीब आदमी होता है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, हमारा स्कूटर रिजर्व लगता है 20 रुपए के तेल से. अच्छा. उससे रिजर्व वाली एक नॉब भी होती है जिसको ऐसे घुमाते हैं, वो ऑलमोस्ट रिजर्व पे रहता है. जब कभी गलती से फुल करवा दे हम 200-250 का, तो हमारे स्कूटर को एसिडिटी हो जाती थी. और उस दिन स्कूटर आवाज भी अलग से निकालता था ऐसे, क्योंकि आदत नहीं है इतना तेल रखने की. ये चीजें होती हैं सारा बहुत. अभी आगे चल के आप और जब फिल्में करेंगे और ऐसे ऐसे करेक्टर्स करेंगे मिडिल क्लास फैमिली वाले, या और आपको बड़ी सारी चीजें देखने को मिलेंगी. मम्मी कैसी हैं आपकी? ठीक है, ठीक है. उनको मेरा रिगार्ड्स देना प्लीज. जब भी मैं सारा को देखता हूँ तो मुझे अमृता मैम की झलक आती है, और वो भी इतनी कमाल की परफॉर्मर है, और आगे आप में भी वो चीजें आई हैं. अच्छा फिल्म के प्रोमो में आपने देखा होगा कि कार्तिक की गर्लफ्रेंड जो छुप छुप के इनसे मिलने आती है, अक्सर छोटे शहरों की आशिकी कह लें ऐसी ही होती है. डर लगा रहता है, बैठा आदमी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और इधर उधर देखते पुलिस ना आ जाए. और कब पता नहीं गर्दन पे थप्पड़ पड़े और आदमी को रियलाइज भी नहीं होता कि कितनी जल्दी पुलिस आती है. कार्तिक आप ग्वालियर से हैं जी, छोटे शहर में पले बड़े हैं. आपके साथ रियल में कभी ऐसा हुआ कि दिक्कत आई हो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने में? ओह यही जवाब देना है सर. मतलब मैं फ्रेंड को मिलने, फ्रेंड जो कि लड़की थी, उनको मिलने जब उनको बहुत ही रिस्पेक्टेबल फ्रेंड थी उनकी. हाँ बताइए उनके बारे में. हम एक ही बेंच पे बाजू में बैठते थे. हाउ स्वीट. अच्छा जी. स्कूल में ओके. तो मैं होमवर्क भी करता था. इतनी जल्दी शुरू कर दिया उसका. कौन सी क्लास की बात है? स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड? ये नहीं, 10th स्टैंडर्ड की बात है. अच्छा 10th. 16 साल का. कोई एजुकेशन स्कूल में हमने नहीं हुआ. 10+2 के बाद मेरे 10th में ही हुआ था कोएड. अच्छा. उससे पहले ऑल बॉयज. फिर आप जब उनको मिलने गए, उनको तो जब उसको मैं
वैलेंटाइन्स डे पे मिलने गया था. अच्छा. जिस जगह पे हम जाते थे, रेस्टोरेंट था, अच्छा सा रेस्टोरेंट था, खाना खाने जाते थे. अच्छा. अच्छा. वो और मैं वेट करता था उनका, लेकिन ये हमेशा डर सताया रहता था कि कोई फैमिली मेंबर ना आ जाए. छोटे शहरों में ये होता है कि सब एक दूसरे को सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बेसिकली आपकी कहानी कहीं पे भी कभी भी जा सकती है. राइट. और एक डर रहता है कि मम्मी पापा को कुछ बताते नहीं थे, तो उनसे इतने फ्रेंडली बिहेवियर होता नहीं था कि अच्छा मैं गर्लफ्रेंड को फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ. लेकिन पकड़े हमेशा जाता था सर, हमेशा डर रहता था यार. बहुत डर है, टेरर रहता है. डॉक्टर साहब आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं. अभी तो खैर बच्चे बड़े हो गए सर, अभी तो राज खोल सकते हैं. चलो अपने जब आप पढ़ते होंगे कॉलेज में, या आप भी कभी फूल लेके गए जैकेट के अंदर वैलेंटाइन डे वाले दिन? बहुत रोज होता था. रोज? कॉलेज में मैं इसके जैसा ही था. क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हो पापा? तो सर अब मैडम को आप कहाँ मिले थे पहली बार? हमारी अरेंज मैरिज थी. अरेंज तो एंड हमारी एंगेजमेंट 1.5 साल चली, पर वो लव आजकल ऐसा था कि ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था. हमने 1.5 साल एक दूसरे से बात भी नहीं करी. ओनली मेट एट द एंगेजमेंट और शादी के समय. तो फिर 1.5 साल का गैप क्यों डाला जब बात ही नहीं करनी थी? उस समय तो ये हालत था कि एक बार बाई चांस हम लोग दिल्ली चले गए थे. मैं भी दिल्ली था, ये भी दिल्ली थी. अच्छा जी. तो इनकी मम्मी ने साथ भेजा, लेकिन 2 गार्ड भेज दिए साथ में. एक्चुअली यहाँ तब कहाँ समझने का मौका मिलता था, जब तक समझ आती थी तब तक 2 बच्चे हो जाते शादी के बाद. और आजकल का लव ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की पहले तो कहते रहते हैं हम एक दूसरे को समझ रहे समझ रहे, जब एक दूसरे को समझ जाते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है. समय कोई मोबाइल नहीं होते थे, एसटीडी से कॉल करो या लेटर इनलैंड में चिट्ठियां लिखी जाती थी. जी जी. तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि इतना जो आजकल के बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं वो पहले. पर आपको क्या लगता है कि वो समय अच्छा था कि आज वाला समय अच्छा है? मुझे पहले का समय ज्यादा अच्छा लगता. पापा को आज का समय ज्यादा अच्छा लगता है. लग रहा है. लड़के जो बड़ा छुप छुप के मिलते हैं वैलेंटाइन डे पे ना, एक कार्तिक ऐसा डेयरिंग आदमी जो वैलेंटाइन डे पे 2 लड़कियों के साथ आ रहा है, ये तो खैर चलो फिल्म की बात हो गई, रियल लाइफ में कैसे मैनेज करते हो आप? Why are you laughing? I am curious. कैसे मैनेज करते हो? गर्लफ्रेंड फ्रेंड जो होती है. गर्लफ्रेंड्स जो गर्ल्स होती है वो फ्रेंड होती है. हाँ जी हाँ जी. तो अभी क्या होता है, मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ. जी. और सर मैं कुछ मैनेज नहीं करता, मुझे मैनेज नहीं करना पड़ता. मैं सिर्फ लव आज कर रहा होता हूँ रियल लाइफ में. रियल लाइफ में देखो इतना मतलब आज कल रियल रियल वेरी कंफ्यूज्ड. गर्लफ्रेंड फ्रेंड. आई एम अ वन वुमन मैन. व्हाट्स गोइंग ऑन? वन वुमन मैन एट अ टाइम. पापा वहां से तो मैनेज नहीं करना पड़ता. बहुत अच्छी बात है. तुम अभी भी मैनेज नहीं कर रहे हो छुपाने के. ब्रिलियंट है फ्लाइट. अच्छा आप देखना वैलेंटाइन डे पे ना बड़ी सारी चीजें होती है. जैसे छोटे शहरों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा लड़के ना जानबूझ के या तो कहीं निकलते नहीं घर से, जिनको शक होता है कि कोई बहन बोल के राखी ना बांधे, कहीं हेलमेट पहन के निकलते हैं. जैसे ये दिनेश था ना, ये अपने पापा का हेलमेट पहन के निकल गया. ये जो गिटार पे ना, ये तो नहीं पकड़ा गया, इसकी मम्मी ने हेलमेट पहचान लिया, इसके पापा को पकड़ लिया. और पांडे ने पीछे ड्रम पे जो बैठा हुआ हेडफोन लगा के, इसके तो और मजेदार किस्से हैं. ये तो बुर्का पहन के चला गया अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने. हाँ. और इसकी गर्लफ्रेंड की मम्मी को लगा है लड़की है, फ्रेंड है, वो कहती चल तेरी सहेली आई पापड़ बिलवा लेते हैं. 2000 पापड़ बेले इसने. अगले दिन इसकी सहेली फिर आई, कहती मिलने नहीं आना. कहता अब क्या मेरे से दाल पिसवाओगी? मतलब ऐसे ऐसे काम. सारा किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं कार्तिक को डेट करना चाहती हूँ. हाँ जी.
किसी इंटरव्यू में हंस रही है। अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं जब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं तो ऑब्वियसली अपने फादर के रूप में भी देखते हैं कि यार, क्योंकि हर लड़की अपने बाप के लिए प्रिंसेस होती है, तो उनको ये होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड वैसे ही ट्रीट करे। आपको लगता है इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं? कितने पैसे कमा रहे हो? क्योंकि अगर उस शो को देखा जाए तो लाइन तो यही थी ना, इफ यू हैव मनी यू कैन टेक हर। सो मैंने बैंक अकाउंट का नंबर दे रखा है। नहीं दे रखा है, झूठ मत बोलो। दे रखा है। जीरोस है, बोल दो। पता है यार तुझे? नहीं बोलना। और हुए? हाँ? बढ़ गए। चलो तो इफ ही हैज मनी ही कैन टेक मी एज माय फादर सेज। क्लियर है लड़की, लड़की क्लियर है, बहुत अच्छी बात होता है। आजकल क्लियर ही होना चाहिए। नहीं बहुत अच्छी बात है, यही है। अच्छा एक बात बड़ी अच्छी है, जैसे सारा लव आजकल कर रही है तो अभी सैफ सर कर रहे हैं जवानी जाने मन। और क्या हैंडसम आदमी आपके पापा लग रहे। तो जब आप अपने पापा से मिलते हो आप डैड क्या बुलाते हो, डूड क्या बुलाते हो? अब्बा बोलते हैं। अब्बा बोलती हैं, तो बड़े क्यूट हैं सैफ सर, आई लव हिम। किससे इतने मजेदार सुनने को मिलते हैं ना, जैसे हमने एक और किस्सा सुना कार्तिक आपके बारे में कि जी इम्तियाज अली साहब ने आपको ये फिल्म का नरेशन जो है वो वॉशरूम में सुनाया था, तो किस पे प्रेशर ज्यादा था, आप पे कि उन पे? नहीं पर ये बात सही है कार्तिक। नहीं नहीं सर, हम दोनों वॉशरूम में नहीं थे एट अ टाइम, कभी नहीं, एक भी बार नहीं। ओह स्वीट, कितना स्वीटली एक्सप्लेन कर रहा है कार्तिक। आधा एक बार शायद से टाइमिंग मैच हो गया। अच्छा आप सबने देखा होगा कार्तिक जो फिल्म में रोमांटिक सीन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है। कार्तिक आप बड़ी कन्विक्शन के साथ रोमांटिक सीन कर रहे हैं, ये आप डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, आपके नेचुरली निकल रहा था कि सर नेचुरल एक्टर हूं मैं और नेचुरल। आई रियली अप्रिशिएट सारा जी, आप नवाबों की फैमिली से हैं, तो अर्चना जी का ये सवाल था। अरे मैंने बोला भी था उनको पूछ, मत पूछो। तो अर्चना जी का ये सवाल था कि आपके सर में कभी जुएं पड़ी? ये आया अमीरों वाला सवाल। स्कूल में पढ़े थे एक बारी, वो कंघी आती थी ना वो ऐसे करना, जुआ वाली, हाँ, जुआ वाली, वो पतली वाली, पतली वाली। तुझे भी हुए हैं? मेरे को बहुत होते। बहुत घर है, जुओ को भी तो घर चाहिए ना। ऐसे नहीं बोलते। तो ये कुछ और सवाल हैं आप दोनों के लिए, जनता के सवाल हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। okay. ये बोल रहे हैं कि कभी कभी सड़क पे पानी भरा हो तो कभी ऐसे करके आपने छलांग मारी है उसमें? क्या मतलब जानकर नहीं शायद, लेकिन हाँ बचपन में क्या होगा। हाँ आपने भी कर्तिक? नहीं मेरे पे वो ऑटो सामने से गया तो मेरे ऊपर आ गया। स्कूल के बाहर से कभी इमली खरीद के खाइए? हाँ एक्चुअली, लेकिन इमली नहीं, वो इमली की कैंडी जो होती है वो जमुना बाई के बाहर मिलती थी, मैं जमुना बाई जाती नहीं थी लेकिन वहाँ पे मिलती थी, कैरी भी मिलती थी। तो हाँ अच्छा सबने वो काम किए हैं इसका मतलब है ना? ज्यादातर तो किए ही होंगे। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पे कभी आपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद किए हैं? कभी जरूरत नहीं पड़ी। इंटेलिजेंट गर्ल बहुत। फायदा क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कार्तिक आपने हमेशा वो बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हमेशा। मैंने देखा ऐसे बच्चे जो होते हैं ना जो ऐसे काम करते हैं वो टैलेंटेड बड़े निकलते हैं, क्योंकि क्रिएटिव शुरू से होते हैं ना। नहीं मैं तो देखो मैं भाई की साइड लूंगा। हाँ, और नहीं तो क्या, गॉड ब्लेस यू। अच्छा च्युइंगम खा के कहीं चिपकाई है आपने? हाँ। और फिर वापस निकाल के खाई है? नहीं। बाल पे लगाई है? अपने बाल पे? मेरे बाल पे क्यों लगाऊंगा, क्या पता पेट्रोल पी सकता है। ऐसे खा के ये थोड़ी करूंगा, पेट्रोल पीते नहीं है सारा, उसकी खुशबू सूंघते हैं। पर हाँ ये हम हंसी मजाक में पूछ रहे हैं, च्युइंगम किसी के बालों पे लगानी नहीं चाहिए। फटा हुआ नोट चिपका के चलाया कभी? बहुत बार, पीछे से वो सेलो टेप आता था, थोड़ा सा चिपका के, थोड़ा सा उसको ऐसे कि एकदम लाइन से लाइन मिले, वैसे वो पता ना चले, और दस दस के नोट हो जाए तीन चार, उसके बीच में एक और दस का नोट। हाँ ऐसे बहुत बार, बहुत बार किया। हमारे पंजाब में आप चला सकते हो रात को 8 बजे के बाद ना, फटे फटे नोट। अंधेरा होता है, उन्हें पता चलता है।
सर्दियों में स्पेशली जब फॉग वॉग पड़ती है. ओके, कभी वो खेला है? आपसे पूछने जाऊंगा, कार्तिक ने 100% खेला होगा. स्टापू नहीं खेलते ऐसे करके ऐसे? हाँ आपने भी खेला है? हाँ जी. फिर तो हम भी नवाब हुए. हाँ सारे खेल तो हमारे भी सेम ही है. सारा उसको बोलते क्या? हॉपस्कॉच. हैं जी, हम नवाब नहीं है. हमें पता ही नहीं हम हॉपस्कॉच खेलते थे. हॉपस्कॉच खेलते थे हम तो. लंगड़ी टांग बोलते थे, स्टापू बोलते थे. हॉपस्कॉच ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है ना. हॉपस्कॉच बोलने में लगता है किसी इंडोर गेम होगा. ये नहीं पता मिट्टी में लकीरें खींच के खेलना. हॉपस्कॉच वही अमीर लोग ना शब्द ही ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, गरीब खेल को भी अमीर बना देते हैं. ये मैंने उस दिन आपके पापा को वो टायर चलवाया ऐसे करके, बड़ा उन्होंने तेजी बड़े मजेदार तरीके से चलाया उन्होंने. वेरी गुड. हां कपिल को बीट कर दिया था. ये तो कुछ नहीं, अर्चना ये तो लड़कों के साथ कंचे खेलती थी. देख रही हूँ मैं तेरे साथ यहाँ पे. है? साल के एंड तक रुक जाओ. आहो. ये उनकी हीरोइंस हैं, अलग अलग फिल्में की उन्होंने. हीरोइंस हैं उनके. मैं भी हीरोइंस की बात कर रही हूँ. दूसरी वाली तो मैंने बोली नहीं अभी. और खुद तूने किसके नाम का टैटू बनवाया हुआ है? क्या? और रह दे तू. टैटू बनाया मैंने किसके नाम? दिखा टैटू लोगों को. इस उम्र में टैटू बनवा दी तू. तो क्या हो गया? टैटू बनाया? जिसके लिए टैटू बनाया वो आज सामने बैठे हुए हैं. वैसे इनका नाम मनीष है लेकिन मैं प्यार से हर्ष कहती थी. ये देखो. बुआ तेरे को कितनी बार कहा शो में आके डिस्टर्ब ना किया कर. वो तो मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ. तो आज बुआ डिस्टर्ब करने लग गई. अर्चना भाई साहब सुना आपने? बुआ डिस्टर्ब कर रही है. ये बच्चे बदल गए आजकल के. वैसे मैं किसको कह रही हूँ जिसने बड़े बड़े बदल दिए. बुआ क्या करने आई तू यहाँ पे? मेरे बच्चे आए हैं, मैं उनको खाना खिलाने आई हूँ. 9:30 का टाइम इतना फ्रूट रख देता है. कितनी बार कहा रात को फ्रूट नहीं खाते. ले पुत्र मेरे बच्चे आए हैं. सारा पुत्र मैंने देखा तू घर का काम करती, आलू छीलते फटाफट. फटाफट आलू छील. बुआ ने जुआ तो हरा धनिया डाल के पराठे बना देने तेरे लिए. बुआ नवाबों की बेटी तुमसे आलू छिलवा रही है तू? नवाबों की बेटी है तो क्या मैं औरंगजेब छिलवा दूं? कितनी पतली हो गई है, खाती नहीं कुछ. सारा तू है. और इधर देखो किट्टू, पुत्र ये क्या मुंह का हाल बनाया, इतना तीखा मुंह करके आया है. मेरी बात सुन ले, किसी ना किसी दिन तेरी किसी फ्रेंड को तेरा मुंह चुभ जाना है, इतना तीखा मुंह है. बुआ ये जॉ लाइन होती है. तो सब तेरी किधर है? मेरी नहीं. तेरी किधर है जॉ लाइन है? ये सब हीरो लोगों की होती है. हां तो तेरी क्यों नहीं पुत्र को? मैं ही पढ़ती हूं. मैं हीरो हूं ही नहीं. अच्छा फिरंगी में हीरो ही था तू. किसी ने देखी? ऐसा ना कह पुत्र. और किट्टू सब ठीक है? सब ठीक. हुआ ये क्या किट्टू किट्टू लगाया आपने? कार्तिक आर्यन नाम है उनका. इतना कार्तिक आर्यन होगा दुनिया के लिए. मेरे लिए मेरा बच्चा किट्टू है. इतना सोता था माला पहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी. इतना चलाक होता था. ओए इसने सुसु करना धीमे 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 धीमे. सच्ची कह रही हूँ. कितना तो होता था अर्चना बहन जी, दो दांत इसके बाहर होते थे. पूरे मोहल्ले
की लड़कियाँ गाजर बन के घूमती थी खरगोश था ये बुआ को सब पता है चल इधर आ बुआ को डांस स्टेप सिखा वो तेरे को डांस सिखाने आया यहाँ पे अच्छा दीपिका को एयरपोर्ट जाके सिखा सकता है तो मेरे को बस स्टैंड में नहीं सिखा सकता तू बड़ी नोरा फतेह है जो तेरे को सिखाए डांस पुत्र मैं कितनी नोरा फतेह हूँ उन अंकलों को पूछ मेरा डांस देख के आज भी जिनका साकी साकी निकल जाता है एक मिनट हाय नहीं मैं मर जानी मेरी बच्ची सारू पैजी एक मिनट देखो पूरी अमृता लगती है ना अच्छा मम्मी ने मेरे बारे में बताया कुछ नहीं बताया मैं बता देती हूँ वैसे मैं सबकी पुआ हूँ लेकिन सारा हूँ तेरी मासी हूँ तू कहाँ से मासी हो गई उनकी पुत्र तेरी मम्मी और मैं ना दिल्ली में एक साथ पढ़ा करते थे तेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी मुझे ओहो जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे आज देख लो वो मुंबई में करोल बाग में कोई ढंग की बात नहीं आती बुआ तेरे को फालतू ही बोली जाती जब भी आती एक मिनट तो ढंग की बात कर लेते हैं किट्टू तेरी फिल्म देखी थी मैंने पति पत्नी और वो मेरा भी वही चल रहा है कौन तूने बताया नहीं कभी तेरे और फूफा के बीच में कोई वो भी थी नहीं नहीं पुत्र मेरे और फूफा के बीच में कोई नहीं थी बल्कि मैं हूँ मिस्टर और मिसी तिवारी के बीच में अरे पता है मुझे कभी कभी मम्मी बोलती भी है बेटा तू इनके जैसा ज्यादा दिखता है मेरे से जो ओए होए होए डॉक्टर साहब क्या बताऊं बता दूं ओए होए क्या दिन थे वो जब मनीष जी की नई नई मतलब डॉक्टरी लगी थी वो प्रैक्टिस करनी शुरू हुए थे और मैं नई नई बीमार होनी शुरू हुई थी आए हाय ओहो मजा ही आ जाता था मतलब शरेआम तो मेरे दिल की धड़कन सुन नहीं सकते थे इसलिए कान में ना हेडफोन लगा के मेरे दिल की धक धक भुक भुक धक धक भुक भुक सुनते रहते थे धड़कने धड़कने नहीं सुनते वो चेकअप होता है स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते वो हैं हां चेकअप चुपका मुझे ना बता आया बड़ा हाय डॉक्टर साहब की उंगलियों में जादू होता था ओ गॉड ओए होए अर्चना पेंजी मेरा बीपी हाई होना उन्होंने उंगलियों के बीच में उंगलियां डाल के मेरा हाथ दबाना मेरा बीपी लो हो जाना पेंजी जरा कान में हाथ रख लो बच्चे को मैंने कार्तिक को कोई बात बतानी है क्या बताना है वो तो बात करके बताती हूँ गर्मियों के दिन थे मेरे ना नई नई पथरी हुई थी स्टोन और इनका कैंप लगा हुआ था इनकी भी नई नई मूछें फूटी थी मैं डर के मारे किसी को बताऊं ना पेंजी की मेरे पथरी है मैं ऐसे खड़ी डर पीछे से आए मेरे पेट पे ऐसे हाथ रख लिया मेरी गर्दन के पास आए और मेरे कानों में कहते कमा कप्पू मैं शर्मा गई कहते घबरा मत पथरी पानी पीने से निकल जाती है तो इसमें क्या गलत है उन्होंने एडवाइस ही दी तो क्या हुआ हाँ तो पुत्र पथरी निकल गई लेकिन डॉक्टर आज भी दिल में है बुआ जी अच्छा हुआ आपने ये कहानी पहले नहीं सुनाई वरना जवानी जाने मन में इनके फादर होते हैं हमारे लिए बच गए हम लोग बच गए बुआ हो गया तेरा आलू दे पुत्र हो गए आलू भी हो गए लेकिन मैं पुत्र तेरे को एक बात कहनी जब मम्मी आसपास ना हो ना पापा को कह देना पापा को कह देना मैं सामने कह देती हूँ मनीष जी मैं आज भी सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ खाली पेट गर्म पानी हम माफी चाहते हैं उनकी तरफ से हमने बुलाया नहीं था अपने आप आ जाती हैं क्या करें अभी सारा बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है एक आप दोनों के लिए कुछ साउंड्स हैं जो आपको निकालनी है बताओ सिर्फ आपको साउंड निकालनी है और कार्तिक को गेस करना है हाँ फिर केमिस्ट्री पता चलती है कि कितनी है जी चलिए केमिस्ट्री तो बहुत है हाय हाय आज ओके मैं कुत्ता आई मैं भाव भाव क्या होता है फिर बकरी वेरी गुड सारा ये जानवर सारा है अरे ये जानवर नहीं है सारे जानवर नहीं है अलग है ये कैमरा वेरी गुड कैमरा सारा हाँ हर बात में सारा सारा कम ऑन स्नोर वेरी गुड टिप 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 रविना टिप 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 पानी नल कहाँ से टिप 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 शावर हाँ कैमरा कैमरा हो गया कार्तिक कैमरा हो गया
दरवाजा दरवाजा कर इतना जोर से दरवाजा कौन सा इन्होंने किन्होंने गेस किया इन्होंने आपने गेस किया नहीं नहीं वो सारा आपकी केमिस्ट्री इनके साथ ज्यादा अच्छी लग रही है देखो अभी केमिस्ट्री दिखाते अरे यार क्या बोल दिया कोल्ड ड्रिंक हाँ अभी लास्ट वाला कुकिंग कुकर 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 उन्होंने गेस कर लिया ये आपको गिफ्ट में मिलते हैं हाँ लाने वाले इसको ले ऊपर हाँ इनको डर गया ये नहीं डर क्यों रहे को ऊपर अर्चना जी को बोल रहे हो ऊपर लेके उन्होंने प्रेशराइज किया इसको पर विसल आपने नहीं निकाली वो बोल रहे उनके साथ मेरे को केमिस्ट्री चाहिए मुंह से नहीं वो कहीं से निकली विसल कोई तो ओके तो जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि जो लव आजकल है वैलेंटाइन डे पे रिलीज हो रही है वैलेंटाइन डे तो वैसे 7 दिन पहले शुरू हो जाता है पहले वो रोज डे किस डे हग डे तो ये काफी सारे डेज होते हैं तो बड़े सारे हमारे ऑडियंस के भी किस्से होंगे मजेदार वैलेंटाइंस के तो आप अपना कोई मजेदार किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं आइए कार्तिक सारा आप प्लीज बैठिए जी इनको माइक दे दीजिए मैडम को हाय माय नेम इज कायरा हाय कायरा वेलकम हाय माय बर्थडे इज ऑन वैलेंटाइंस डे अरे वाह या सो घर पे होता क्या है ना मेरी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशंस होती है और मॉम को लगता है कि उनके लिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होगा अच्छा बट एक्चुअल में मैं ही ज्यादा पैम्पर होती हूँ 3 साल पहले हुआ क्या था कि मम्मा सुबह उठी थी एंड शी ओपन द बालकनी अच्छा बालकनी में व्हाइट एंड रेड रोजेस भरे हुए थे सारे अच्छा एंड मम्मा को लगा कि पापा ने दिया है आपकी मम्मा जो साथ में बैठे हैं आपकी मम्मा दिस इज माय मॉम वेरी ब्यूटीफुल योर मॉम इज एक्चुअली थैंक यू आई नो तो फिर बट एवरीबॉडी नोज ना कि मेरे लिए थे सारे हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो पापा ने उन्हीं के लिए सजाए हो ये भी वो भी हो सकता है बट द थिंग इज के वो चीज आज तक की मिस्ट्री है तो पता नहीं किसको क्या मिला पर इस दोनों चीजों में फायदा तो आपके पापा का तो है है ना बेटी को लगता है कि उसका बर्थडे मनाया जा रहा है वाइफ को लगता है कि उनके लिए आए हैं भाई साहब नहीं आए साथ में ऑफिस में ऑफिस है पक्का देख लो किसी की बालकनी में सजा रहे हो कहां से आए आप वी आर फ्रॉम बॉम्बे इटसेल्फ ओके बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर धन्यवाद शुक्रिया आपकी नई नई शादी हुई है मुबारक हो आपको बहुत बहुत कितनी देर हुई आपकी शादी को मुझे बड़ा मजा आता है माइक दे देना इनको 10 दिन हुए सर 10 दिन हुए हाँ जी तो घूमने इधर आ गए आप यही ड्रीम था ये ड्रीम था आपका हाउ स्वीट थैंक यू तो भाई साहब से पूछ लेते उनका ड्रीम तो कुछ और है कहाँ से आए सर आप जयपुर से सर जयपुर से चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी और ईश्वर आपको खुश रखे बहुत प्यारी जोड़ी आपकी धन्यवाद कपिल पर वो टी शर्ट में उनकी फोटो है ये मेरा है लिखा है टी शर्ट में इनकी फोटो है ये मेरा है ये मेरा है अच्छा भाई साहब फोटो है इनकी फोटो है वाह क्या सेम आप सेम लगते थे जब पतले थे ना आपकी तरह लगते थे सर शादी करनी नहीं थी बट आपका नाम लिया तो कर दी सर आपने उनकी फोटो क्यों नहीं लगवाई अपनी टी शर्ट सर वो लगवाई थी इनफैक्ट मैंने इनको पटाया भी आप ही का नाम लेके हैं मेरा क्या है नाम है अभय शर्मा तो मैंने इसको शर्मा बताया कॉलेज में सबको भाई बोलती थी अच्छा ठीक है मैंने बोला कि मेरा नाम कपिल शर्मा है तो मेरे को भाई बोलना बंद कर दिया धीरे धीरे बात होना शुरू हुई अच्छा वैलेंटाइन डे पे सिर्फ एक लाइन बोली कि शादी के बाद मैं हनीमून पे तुम्हें कपिल शर्मा का शो दिखाऊंगा हाउ स्वीट बहुत मुबारक हो आपको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके शुक्रिया शुक्रिया अर्चना जी आपके पीछे कितने कौन हमारे बड़े ब्यूटीफुल गेस्ट बैठे हुए मुझे लगा जैकलिन फर्नांडिस ऑडियंस में बैठी हुई है एक्चुअली हाय जैकी हाय हाउ आर यू वेलकम कहां से हैं आप हैं लंदन यू अंडरस्टैंड हिंदी आई अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट माय फ्रेंड हियर अंडरस्टैंड्स मोर शी इज योर फ्रेंड शी इज माय फ्रेंड एंड द लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू यू शी इज माय फ्रेंड एज वेल ओके बड़ा ब्यूटीफुल फ्रेंड का ग्रुप है आपका बट आर यू इंडियन Yes, Indian. तो यो इंडियन आपको हिंदी नहीं आती कौन सी भाषा आती है पंजाबी और पंजाबी पंजाबी आती है ना पंजाबी मेरे को पहले बता दो मेरे मुंह में इंग्लिश फंस रही इतनी देर से पर आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हम भी आ रहे हैं लंदन बहुत जल्दी वहां पे वी आर कमिंग टू वेम्बले अरीना वेरी सून ओह नाइस वी विल कम एंड वॉच यू थैंक यू मैं पास दूंगा आपको टिकट मत खरीदना आप ठीक है ये वो पास अपने हस्बैंड को दे देंगे डोंट वरी नो शी इज नॉट मैरिड यू आर मैरिड आई एम मैरिड टिकटें खरीद लेना ऑनलाइन बिकती हैं
Oh, but jokes apart, welcome. और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा जी भाई साहब बड़ा तेज है आपको किस्सा हेलो नमस्कार मैडम नमस्कार नमस्कार जी क्या नाम है आपका जी सर मेरा नाम जगदीश भगोरा है और मैं इंदौर से आया हूँ सर जगदीश भगोरा जी भाग के आए हो वहाँ से मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ उनका नाम लिखवाया आपने जी सर और 8 साल से उससे प्यार करता हूँ उसको प्रपोज करना चाहता हूँ ये मैरिज पार्लर है नहीं सर आपका शो सब देखते हैं पूरी इंडिया देखती है तो कॉमेडी का हंसी प्यार का मोहब्बत का शो है सर ये तो बस आपके शो की वजह से सर मेरा भी थोड़ा सा काम हो जाएगा खुल के प्रपोज करिए आप जी आई लव यू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ थोड़ा रोमांटिक हो के चंदा लेने वालों की तरह मत आओ ऐसा लग रहा है जैसे कर रहा है हम सुखन मित्र मंडल से आए हैं आपसे जितना राशि आप चाहें ऐसे नहीं थोड़ा रोमांटिक थोड़ा शाहरुख खान बनो थोड़े जी आई लव यू और 25 को मैं आपको प्रपोज करने वाला हूँ भाग जाओ नहीं करो सॉरी यार सॉरी मैं हमारी क्या हमारी शादी हो चुकी है तो इसलिए ये सब चीजों में हमारा इंटरेस्ट है नहीं आप लगे रहो आप तो लगे रहो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए अरे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ये कैमरा मैंने आप ही के लिए भेजा है देखो इसकी खुद की शादी नहीं हुई मेरे भाई की आपके लिए आया हुआ है तो आप बोलो जो आपका मन करता है बोलिए बोलिए जी आई लव यू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ 25 को मैं आपको प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए सो प्लीज नो मत करना चलिए हमारी बेस्ट विशेज है आपके लिए ईश्वर करे आपका काम जो है संपन्न हो ओके सर थैंक यू सो मच तो ये फिल्म वैलेंटाइन पे रिलीज हो रही है हम लोग प्यार की बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों ने अपने वैलेंटाइन के किस्से शेयर किए अगर आपकी कोई मोहब्बत की कहानी है आप भी शेयर कर सकते हैं जी भाई साहब नमस्ते सर नमस्ते जी नमस्कार मेरा नाम किशोर कुमार किशोर कुमार अरे वाह कहाँ से हैं किशोर जी आप मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका कल ही रिटायर हुआ आर्मी से था मैं अच्छा अरे वाह क्या हाल है वेलकम वेलकम सब आपके दोस्त आर्मी से हैं जी वेलकम सर जब मेरी शादी सेट हुई थी 2006 में अच्छा जी तो हम लोग लड़की देखने जाते नहीं पिताजी अच्छा। माँ लोग जाते हैं देखने सारा सुन रहे हो आप हाँ। लड़की देखने जाते ही नहीं है मम्मी पापा ही करके आ जाते हैं अच्छा फिर तो यहाँ हम उस समय द्रास में थे तो अच्छा जी वहाँ से आया घर पे तो किसी तरह फोन नंबर लिया किसका होने वाली बीवी का अच्छा और बातचीत किया हाँ। बहुत थोड़ा थोड़ा बात होता था फिर हम सोचे कि इसको थोड़ा लव स्टोरी में कन्वर्ट किया जाए हाँ जी फिर बात करते करते एक दिन बोला कि यार हम मिलना चाहते हैं क्योंकि छुट्टी खत्म होने वाली चले जाएंगे अच्छा जी तो उसने भी कि कैसे कैसे करके ना ना घर में बहुत पाबंदियाँ है फिर बोल के ठीक है आज आ जाओ मिलेंगे अच्छा जी तो वहाँ पहुँचा तो वो बाहर आ नहीं रहे फिर बोली कि हम छत पे आते हैं उधर ही आ जाओ थोड़ा नज़दीक अच्छा तो मेरे साथ एक दोस्त था बाइक पे हम लोग गए थे हेलमेट लगा रखा था मैं अच्छा तो कोई पहचान न ले अच्छा फिर वो छत पे आई जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा फिर मैं वापस भागने लगा क्यों मैं भी इसलिए कि उसकी मम्मी भी पीछे से आ गई कितनी क्यूट स्टोरी है यार आपकी शुक्रिया अपनी स्टोरी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल जी हेलो मेरा नाम अंकित है अंकित सोनी मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हूँ अंकित सोनी यस आइए सोनी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2009 में पुणे एमबीए करने आया था अच्छा जी सो ये मेरी वाइफ है नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तो हम लोग एमबीए करने आए थे तो अच्छा नया नया एडमिशन हुआ था सो एक ही हॉस्टल में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का हॉस्टल एक ही था ये कहाँ पे होता है नहीं फ्लोर सर फ्लोर से अलग अलग थे मुझे भी एमबीए करनी है अच्छा फिर तो उस समय पुणे में स्वाइन फ्लू फैला हुआ था रोमांस से सीधा ट्रेजेडी फिर हमारा जो बैच था वो उसमें 30 स्टूडेंट्स थे उसमें लड़कियां सिर्फ 3 टोटल सैड अब इनको स्वाइन फ्लू हो गया अच्छा 3 में से एक उनको भी स्वाइन फ्लू हो गया एग्जैक्टली अच्छा मैंने सोचा कि यार एक तो मतलब
ठीक ठाक है और उसको भी स्वाइन फ्लू, तो मैं कुछ मैं होने नहीं दूंगा, इसको बचा के रखूंगा। मैंने सर अपनी पूरी जी जान लगा दिया, डॉक्टर को बुलाया, रात में इनकी सेवा करी, इनको दवाई टाइम पे दी, खाना, सारी चीजें। वाह। उसके बाद फिर लगा कि थोड़ा एक केमिस्ट्री जम सकती है। लेकिन तो आपको बाद में प्यार हुआ कि सेवा के बदले में आपने शादी की? सर इतनी अच्छे से केयर करा तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अच्छा है, जेन्युइन है आगे। नहीं अच्छा, हस्बैंड कम सर्वेंट आदमी। तो नहीं, हालांकि शादी कब हुई आपकी? शादी कब हुई फिर? सर इट टुक 7 years टू कन्विंस पेरेंट्स। अच्छा जी। और उसमें भी बात बनी नहीं, ये कन्विंस हुई नहीं थी मुझसे। अच्छा, ये मैडम भी नहीं हुई कन्विंस? हाँ, ये एक्चुअली नेचर में थोड़ी तेज है, तो हमेशा जब भी ऐसा लगा कि प्रपोज करो तो ऐसा लगता है चाटाना पड़ जाए। अच्छा। तो आई थॉट कि यार स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको चाय बहुत पसंद है, कहीं से पता चला। अच्छा जी। तो मैं बढ़िया रात में चाय बनाता था, इसको छत पे बुलाता था, फिर चाय देता था। वाह। कभी फिर जैसे एग्जाम के टाइम्स में नोट्स वगैरह बना रहे हैं। अच्छा, एक बार तो मैंने इसको बोला, 12 बजे रात को टेरेस पे बुलाया, मैंने बोला तेरे लिए मैंने एग्जाम का पेपर मैनेजमेंट से सेटिंग करके निकाल के लाया है, इसको पढ़। ये अंदर की बातें बता रहे हो आप, अभी कॉलेज का नाम मत बताना। अच्छा, तो फिर? तो इस तरीके से बहुत पापड़ बेलने पड़े, फाइनली पेरेंट्स 7 साल के बाद माने। तो जब माने तो जैसे ही थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिला, इमीडिएटली फ्लाइट लेके अजमेर पहुंच गए हम। अच्छा जी। एंड फाइनली देन बोथ पेरेंट्स एग्रीड एंड फाइनली नाउ वी आर हैप्पी। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है आपकी। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। कार्तिक, सारा, हमने तो आपके साथ ढेर सारी बातें कर ली, लेकिन कुछ जनता के इल्जाम है जो आप पे लगाए गए हैं। अच्छा। तो वो चाहते हैं कि वो टॉप की अदालत में आप सामना करें उनका। तो यहाँ पे एक अदालत लगेगी जी, और आप पे मुकदमा चलाया जाएगा। आर यू गाइस रेडी? वी डोंट हैव एन ऑप्शन। ऑप्शन तो है। ओके, तो चलिए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। ये अदालत और यहाँ के सभी पात्र नकली हैं, सिवाय इनके। मैं भूरी कोर्ट की जज होने की हैसियत से सारा अली खान, कार्तिक आर्यन और टॉप की अदालत देखने वाले सभी दर्शकों का इस्तकबाल करती हूँ। इस्तकबाल? इस्तकबाल? ये टॉप की अदालत है, टॉप का मुशारा नहीं। 2 रुपए के मुंह पे 4 रुपए की दाढ़ी लगा के 5 रुपए की दिहाड़ी बनाने वाला, अपना काम करो तुम चुपचाप। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या मिला तुम्हें किसी की जिंदगी खराब करके? घर बैठा के क्या मिला उस आदमी को? हंसता रहता था बेचारा, घर बिठा दिया उसको आपने। किससे बात कर रहे हैं? उनसे, ये तो एसी का रिमोट है। ओह माय गॉड, सारा अली खान, कितनी क्यूटनेस है। मेरा दिल कर रहा है मैं टेडी बियर बन जाऊं। आप मुझे हग करके फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दो, मुझे वायरल कर दो आप। आई लाइक दैट। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अंदर का जो कार्तिक आयरन है उसका दम घुट रहा है। इतना सा कार्तिक बचा है, बचा लो उसे। आप मुझे अपने साथ वेकेशन पे ले जाओ, आप स्कूबा डाइविंग करना, मैं मछलियां पकड़ूंगा उधर। अरोड़ा जी, आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। और आप सोनी टीवी का पिछले 3 साल से वक्त, पैसा, कॉस्ट्यूम सब जाया कर रही है। मैंने आपको कुछ कहा है? जितना खर्चा आप पे हुआ है अगर इस पे कर देते ना तो ये भी नोरा फतेह लगता मेरे को। तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। नया आर्टिस्ट 2 लाइनें क्या बोल दे, इनसे देखा नहीं जाता। ये लो पकड़ो, जा रहा हूं मैं। अब तुम कोर्ट की हथेली, चलो इधर आ जाओ। एक्सक्यूज मी, ये अदालत है, किसी के बाप का घर नहीं है। कोई भी जज बन जाएगा और फिर जज को अदाली बना देगा। तुम्हें जज के साथ बहस करने के जुर्म में जुहू बीच पे पानीपुरी का ठेला लगाने की सजा सुनाई जाती है। ये कैसी सजा है? चटपटी। मेरा बड़े दिनों से खट्टा खाने को मन कर रहा था, मुझे तो डर है मैं कहीं माना बन जाऊं। चलो कार्रवाई शुरू की जाए, मैं जज। यार बड़ा मजा आता है इधर बैठ के। ऑपोजिशन का वकील हाजिर हो। मजदूर का
हाथ है कादिया। तू फिर मजदूर का हाथ ले आया। वो दहाड़ी करने के लिए बैठा हुआ है, उसका हाथ वापस कर। कितना चिल्लाता मैं। वो मेरा हाथ ले गया तो मैं उसका हाथ हिलाऊंगा। लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देते हैं, तो मान लो वो चीज पसंद ना आए तो वापस लोहा बना देते हैं। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन मिलॉर्ड। आप बहुत फनी हैं। अच्छा मुझे लगा उल्टी है ये तुम्हें। मेरा सबसे पहला आरोप सारा अली खान पर है। आप बहुत क्यूट हैं, लेकिन सच में इतनी क्यूट है नहीं। मतलब आप जितने क्यूट बनती हैं उतनी क्यूट नहीं है, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो फिर उनका भी आप पे आरोप है कि आप इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल में इंसान है ही नहीं, ये पिशाच है, पिशाच। हाँ, और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पिशाच करना मना है। ओए ओए, ऐसा चिल्लाओगे तो मेरा पिशाच निकल जाएगा। आजा निकल जाए। निकल जाएगा तो निकल जाए, लेकिन आप केस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मेरा केस पे सारा का सारा ध्यान केस पे ही है। मैं आपको एक बात बताऊं सारा। बताइए। जज मैं इन लोगों के लिए हूँ, आपके लिए मैं एज ए बॉयफ्रेंड बैठा हुआ हूँ। आप जज हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को जज कर सकती हैं, तो जज को बॉयफ्रेंड क्यों नहीं कर सकती मिलॉर्ड? दिस इज ओपन एंड शट केस। आप इस तरह खुलेआम कोर्ट में फ्लर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तुम शरेआम कोर्ट में ढाई ढाई किलो का फाट कर सकते हो, और हम फ्लर्ट नहीं कर सकते। दिस इज ओपन एंड फाट केस मिलॉर्ड। सारा, हाँ जी। आप इस तरह एक क्यूट स्माइल देकर अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते। आपको सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी, और मैं भी देखता हूँ कि आपको कौन बचाता है। मैं बचाऊंगा सारा को झांपड़ी के। कौन? अबे बताओ तो सही, जाना कहाँ है? नहीं तो मैं अनिल कपूर हूँ, मैं ऐसे अहले पहुंच जाता हूँ। अच्छा तो तू लड़ेगा सारा के खिलाफ। अबे ओ हिमाचली मोमो, भैंसों का तबेला लगता है तू। मार्केट में खड़ा हो जाए ना तो ठेला लगता है तू। और इतने बड़े गांव का बड़ा मेला लगता है तू। एक मुझे भी आया, और बंगाली बाबा का चेला लगता है तू। चुट्टी चुट्टी चुट्टी। ओके द प्रेशर इज ऑल माइन। एक मिनट, अदालत में ऐसे केस कौन लड़ता है? अरे वाह, ये चिरकुंडी बोलती भी है। वाह, तुझे पता है तुझसे बड़ी मूछे रख के छोड़ चुका हूँ मैं। बड़ी आई मूछे रख के कोई भी छोड़ सकता है, अगर मामा का दूध पिया है, सॉरी अगर माँ का दूध पिया है तो डांस छोड़ के दिखा। मैं तो कब से कहना चाहता हूँ कि दामिनी बेगुनाही चड्ढा साहब, ठकराल साहब ने अदालत के साथ तोइन की है, तोइन। इन बकवासों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर मल्होत्रा को बाइज्जत बरी करता हूँ। दिस ओपन एंड शट केस आई थिंक। जज साहब, मिस्टर मल्होत्रा कौन है? और तेरी माँ दामिनी किधर है फिर? मल्होत्रा किधर है? अपनी बारी में कुछ नहीं है, मैं अब खुद चीट कर रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो मैं नहीं खेलता। छुट्टी। रुक जाइए। केस लड़ने से पहले मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूँ कि मैं आज तक एक केस भी नहीं हारा। मैं भी अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि मैं भी आज तक कोई केस लड़ाई नहीं हूं। ये क्या बात हुई? कर कोई बात नहीं, सबसे पहले इस कोर्ट में मैं कुछ दस्तावेज पेश करना चाहूंगा। मैं भी इस कोर्ट में दस्ता नॉनवेज पेश करना चाहूंगा सर। दस्ता नॉनवेज क्या होता है? जब तेरा दस्ता वेज हो सकता है तो मेरा दस्ता नॉनवेज क्यों नहीं हो सकता? ये कैसी आसुदी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? अगर आपका दस्ता नॉन वेज है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा दस्ता वेज था, वेज है और वेज रहेगा। अबे ओ, ज्यादा वेज वेज मत कर नवरत्न कोरमे। बकवास किया जा रहा है, तू चाहे कितनी भी बकवास कर ले, ये केस मैं और सारा ही जीतेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ।
मैं आपको ये केस जितवा सकता हूँ, मेरी जज के साथ जान पहचान है। एक मिनट, जान पहचान? आप खुद जज हैं? हाँ हाँ, तो मेरी खुद के साथ जान पहचान है। और मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं रोज खुद को बिना कपड़ों के देखता हूँ। और मैं सोनी टीवी से अपील करना चाहता हूँ, मुझे कपड़े बदलते वक्त जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। मैं सोनी से अपील करती हूँ कि हमें एक बेहतरीन जज दें, प्लीज। ओए बुजुर्ग बिल्ली। मैंने ना तेरे मुंह पे हथौड़ा मार देना तेरे, ज्यादा ये चले जाके ब्रास बैंड वालों के आगे खड़ी हो जाए। इधर ही डराई जा रही है मेरे को, इतने सारे केस पेंडिंग है, पानी भी नहीं पिया मैंने और बकवास करी जा रहे। आ तुम शुरू हो जाओ। सारा अली खान पे मेरा अगला इल्जाम है, क्या अक्सर देखा गया ये अपने घर से सूट पहन के निकलती हैं, जबकि ये भली बात ही जानती हैं कि सूट पहनी हुई लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। हाँ। पहली बात, जो आपने गाना गाया आप मुंबई नहीं आ सकते। मुंबई क्या, आप अपने घर भी नहीं जा सकते। माय लॉर्ड, आप कोई अच्छा सा गड्ढा देख के उसमें बैठो, मैं ऊपर से ट्रक निकलवा दूंगा। माय लॉर्ड, आपने देखा फिल्म सिटी में यह भालू कैसे पागल हो रहा था। जी पहले मुझे लग रहा था आप सिर्फ अनिल कपूर ही खराब कर रहे हैं, आप तो गाना भी बड़ा भाई याद गाते हैं। आप नहीं मुंबई आ सकते, आप आ सकते हैं, आपका इनसे बेटर था। वकील साहब और जज साहब, यहाँ इंडियन आइडल नहीं चल रहा। इतनी देर से इधर खड़ी हो, मुफ्त के पैसे ले रही हूँ, इसमें से जुए निकालो। चलो oh God. निकालो और जो सीनियर होंगी उनको छोड़ देना। जज साहब, मेरे सुस्त दोस्त ने सुस्त है ये। सारा के ऊपर इल्जाम लगाया है जी कि वो सूट पहनती हैं। हाँ। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो मैं अदालत में पेश करना चाहूंगा। दिखाओ। ओए ओए, सारा अली खान का इंस्टाग्राम, ये होता है ग्लैमर, ये देखो। आपने मेरी ग्लैमर देखी कहाँ है? इन्होंने परसों सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली बिकनी में। बिकनी? ऐसी बिकनी में फोटो डाली, वो बिकनी बिकनी बंद हो गई। देखिए जज साहब, पर्सनल हो रहे हैं। उस दिन इसने एक और फोटो डाली, चिलिंग इन मालदीव्स, मालदीव्स वालों नीचे लिखा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए अगर भूरी अपने पे आ गई ना तो मलाड को भी मालदीव्स बना के मादा रखती है। ए मजदूर का हाथ है, खा दिया उसको वापस कर। बार बार मजदूर का हाथ है, मजदूर का हाथ है, अपना नहीं लेके आ सकता तू। मजदूर का हाथ है, बाल चुड़ैलों के पता नहीं क्या है। मैं लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता हूँ। 50 साल से सुन रहा हूँ मैं, लोहे को पिघला के आकार बदलता हूँ, लोहे को पिघला के आकार बदलता हूँ। ये ले, ये लोहा ले, पकड़, इसका आकार बदल, और मुझे दरवाजे की कुंडी चाहिए, कुंडी बना के दे, बना। कार्तिक क्या है ना, मेरे बाथरूम में कुंडी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जब भी लोग मुझे देखते शेम शेम करके चले जाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज ओपन बाथरूम केस। सारा आपका केस खारिज किया जाता है और तुमको सजाए मौत दी जाती है। वेरी गुड, ये सही। भाई ये क्या बकवास हुई, पेन भी तोड़ दिया, सजाए मौत। अरे तुम वकील को कैसे सजाए मौत दे सकते हो यार, पेन टूटा नहीं, तुम्हारी सजा बच गई। तुम सजाए मौत नहीं लेना चाहते? नहीं यार, उसको दे दो, मेरी सुबह से एक भी सजाए मौत नहीं बिकी। मेरी बोनी करवाओ यार, मैंने भी तुम्हारा अनिल कपूर करवाया। हाँ तो अनिल, एक मैं अनिल कपूर अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं माए? मिलॉर्ड आप केस पे ध्यान दीजिए। एक मिनट, मिलॉर्ड कौन है? आप हैं? मैं मिलॉर्ड हूँ के जज हूँ। जज? अरे तो वो मिलॉर्ड कह रहा है मेरे को। तो वकील जज को मिलॉर्ड ही बोलता है? ओए अलिफ लैला की चुड़ैल, तू मेरे को कंफ्यूज कर रही है। मेरे को कोई मिलॉर्ड कह रहा है, कोई जज कह रहा है, पता व्हाट द लव। मेरा अगला आरोप कार्तिक आर्यन पे है कि पहली लव आजकल आई थी उसमें सैफ अली खान जी थे, ये अगली वाली आ रही है इसमें आप हैं, मतलब सैफ अली खान जी से आपने उनका लव आजकल छीन लिया है। अबे ओ अमृतसरी भटूरे।
इतनी देर से क्या बकवास किया जा रहा है, कभी इन पे आरोप लगाता है, कभी उन पे आरोप लगाता है। क्यों मैं तो कहता हूँ उस आदमी को इधर बुलाओ जिसने आरोप लगाया। आप पहले मारेंगी कि मैं मारूं? आप ही मार लो। तू जो इतना गंदा सैफ अली खान कर रहा है ना, तू वाव वाव नहीं, तू पाओ पाओ मांग, कम से कम तुझे खाने को मिल जाएगा। मैं चाहे वाव वाव करूं, चाहे पाव पाव करूं, लेकिन तुम वाव वाव मत करो वरना तुम्हें को बिस्किट डाल जाएगा। वाव, सारा इज देयर। हाय सारा, बिग फैन। बिग फैन, हाउ आर यू? ओए, एक तो तू पहले बाल संजय दत्त वाले लगवा के आ गया। और वो कहां नवाबों का खानदान, तू फटी जुराबों का खानदान। खबरदार, अगर उसको बिग फैन बोला तो। अगर मेरी जुराब फटी है तो आपके जूते में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे नहीं मानते ये लोग। सारा, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, इट वॉज अमेजिंग। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, क्या? वाव, वाव, वाव। ओए तू टॉयलेट जा पहले। कार्तिक, एक रिक्वेस्ट है एज ए फ्रेंड। हाँ, अगर ये अकेली नहीं तो इन दोनों को मिला के कोई एक्सचेंज ऑफर में पतीला वगैरह मिल सकता है तो मेरे को दिला दो। तुम्हें बोलना है कुछ? अरे जब तूने मुझे लड़की बनाया मैं तब भी कुछ नहीं बोला। मैं अब क्या बोलूंगा? वाओ, जेंडर बदलने के लिए आप मिन से मिले बाजार से सस्ते रेट पे। और आप एक काम करिए, इस पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो करेंगे सैफ ही करेंगे और सैफ के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप इस पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो भी करेंगे अनिल कपूर करेंगे, बीच में गोविंदा का डांस नहीं घुसाएंगे। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं जो करता हूँ अपने मामा का करता हूँ, तेरे भांजे में क्यों दर्द हो रहा है? माय लॉर्ड, मैं आपका ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्तिक आर्यन ना मेरी फिल्म छीन के बैठा हुआ है यहाँ पे। ओह, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा जी, पहले सैफ अली खान की आवाज में बोलो। तो ये कौन से शाहरुख खान की असली आवाज निकाल रहा है? अगर नहीं यकीन आता तो आप चंकी पांडे से पूछ सकते हैं। अबे ओए, चंकी पांडे नहीं, मैं अनिल कपूर हूँ। आप ही बताइए ना अमरीश पुरी साहब। अशरफ अले, अशरफ अले, अशरफ अले, तेरे मैंने पानी मार रहा मुंह पे तेरे। वाओ, क्या हो क्या रहा है? जैसा तू सेव कर रहा है, अगर तैमूर ने देख लिया ना तो अपनी नैनी को बोल के तेरे नाना को पिटवाएगा वो। सारा, तुम लोग बकवास करते जा रहे हो, मैं सोनी टीवी जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं दूसरे चैनल पे जा रहा हूँ। अरे दूसरे चैनल पे जाने से कुछ नहीं होता, मैं वहीं से आ रहा हूँ। जो है इधर ही है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। हाँ, अभी एक आध दो और भी आने वाले हैं। नहीं, अब और कोई नहीं आएगा, ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके हैं, रादर एक दो को जाना चाहिए अब। चलो ठीक है, दरवाजा उधर, गेट आउट। तेरे को बड़ी हंसी आ रही है, ज्यादा हंसा तेरी तोड़ दूंगी मैं। तूने भी ज्यादा वाव वाव किया ना, मैं भी तेरा वाव वाव तोड़ दूंगा। अरे चुप कर, मैं नहीं तो तेरा है तोड़ दूंगा। क्या वाव? तोड़ के दिखा, मैं करूंगा। वाव 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 वाव। किसने बनाया? इनके जानवर वाले रूप को देख के मेरी सोनी टीवी से गुजारिश है कि इन्हें सोनी टीवी की नहीं, इनको जू टीवी की जरूरत है। और मेरे अंदर का जानवर भी जाग चुका है, अब किसी ने होए होए वाह वाह हे हे किया, मैंने उनके पेट पे मारना ये सारा केस का फैसला मैं सुना रहा हूँ। सारा, आप बरी की जाती हैं और मैं आपके साथ गोवा जा रहा हूँ। अदालत की कार्यवाही दरख्वास्त की जाती है। प्लीज
प्लीज कपिल शर्मा शो जो कि हम सबका फेवरेट है इसको भी ऐसे ही प्यार देते रहिए. थैंक यू कार्तिक. आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.